भजनों, ये स्वर जो हैं, ये हैं देश राग के स्वर। तो देश राग और सौरठे के स्वर एक ही हैं, और देश रागनी जो है वो सदाबहार है, उसको कभी भी गा सकता है। ये जो मैं दुआ बोल रहा हूं, कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई जब ये मानव तन परमात्मा दिया है, संसार में भेजा है, क्यों भेजा है? अच्छे कर्म करने के लिए, और इससे बड़ा अच्छा कर्म कोई और कोई दूसरा कर्म नहीं हो सकता। इससे अच्छा बड़ा और कोई दूसरा कर्म नहीं हो सकता। आज की रात्रि का ये सत्संग और मंदिर बनवाना ये बहुत बड़ी बात है, ये है शुभ कर्म। जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, हम ऐसी करे निकल चलो। क्या बात है, जग हंसे कबीरा, जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। जब बच्चा घर में जन्म लेता है ना, माँ के गर्भ से बाहर आता है तो वो रोता है, परिवार के लोग हंसते हैं। तो कबीरदास जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, अब ऐसी करनी कर चलो जो हम हंसे जग रोए। क्या बात हुई है सदनों, सीधी सी बात है क्या? कबीरा जब हम पैदा हुए, कबीरदास जी तो कह रहे हैं कि जब हम पैदा हुए माँ के गर्भ से बाहर आए तो बच्चा रोता है और घर परिवार के लोग हंसते हैं, घर परिवार के लोग हंसते हैं। तो मेरे सदनों, कबीरदास जी कह रहे हैं कि भाई जब ये मानव तन परमात्मा देकर के संसार में अपने को भेजा है, तो जब अपन संसार में जन्म लेकर के माँ के गर्भ से बाहर आए तो अपन तो रोए और घर परिवार के लोग हंसे, लेकिन करनी ऐसी करके जानी चाहिए जो रोने वाला बच्चा हंसता चला जाए और जो हंसने वाले रोते ही रह जाए। भाई हंसने वाले रोते रह जाए तो रोवे कौन तानी से? जो भला आदमी जाता है उसके लिए दुनिया रोती है। भला आदमी भाई सुरक्षितदार जाता है ना, तो उसके लिए दुनिया ही रोती है और प्रार्थना करती है, हे भगवान जो जीवात्मा तेरी शरण में आई उसकी उसको शांति देना। तो सोचो गया स्वर्ग में तो भला आदमी दुनिया याद करे, लेकिन याद बलान तो करे ही करे से, लेकिन बुराने भी करो से, बुराने भी करे से कया करे कि मरता ही बेरो पड़ जाए, बोले आज मर गो के चोको पूछो कोटे भाई, चोको पूछो कोटे आनंद हो नगर साफ हो, लेकिन आनंद बलाई में है। तो बताया ये बताया बढ़ जाए चातुर्वेश उठ सुने
भलो सपे लिख लिख पतिया दे। सदनों ये शरीर जो है ना, ये काया रूपी, ये चुंदड़ी, चुंदड़ी नाम है इस शरीर का। से परमात्मा दीनबंधु दीनानाथ दिया है अच्छे कर्म करने के लिए, तो इसको भाई परमात्मा अपने को दी है ये काया, ये शरीर, इसको लेकर के पाकर के संसार में आकर के तो मानव के कर्म करने चाहिए, मानव तन के कर्म करने चाहिए, वरना तो पशु और इंसान में फर्क ही क्या है। अच्छे कर्मों का ही तो फर्क है। अगर मनुष्य देही पाकर के अच्छा कर्म नहीं किया, वो भी पशु के समान ही है, भजन बिना रह गयो रे नर पशु के समान, पशु के समान रे बावड़ा डोर के समान है। तो बताया स्वर्ग जो है, ये भगवान कन्हैया को क्या है बात हुई है, पुकारती है राधा रुक्मणी मीरा कुब्जा। ये भगवान श्री कृष्ण की दीवानी थी। ओ जी था कि सांवरी सुरते Thank you.
रागनी का गाना होता है पर आया तो बहुत बुरी राग कर आया तो माहू खपरो पातली खा और क्या क्या कर मर गो क्या कागज नहीं शायरी लिखने ना पंछी को परवेश नहीं Ah!
जगत भेजूं मैं सतरे बंसी वाला हन किस विद भेजूं मैं सतरे आ गो मा